मेरा एक ही बेटा है, मर जाएगा। पत्नी का छाया आज जैसे ही मैया ने इतने शब्द कहे हैं, विश्वामित्र भाग कर के गए जल लेकर के आई कमंडल में। हरिचंद्र से कहा, हरिचंद्र लो जल पी लो। जवाब दिया, मैं नहीं पीऊंगा। तारा के पास में पहुंचे, जवाब दिया, तारा तुम पी लो। जवाब दिया, मैं नहीं पीऊंगा। जवाब दिया, खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, चलोगे नहीं तो हमसे तुम मना कर दो। मैं तुम्हारा कर्ज अदा नहीं कर पाएंगे तो राज तुम्हें दे देंगे। जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं ऋषिवर। मेरे भगवत श्रोताओं, आज महाराज हरिचंद्र तारा मैया तारा ने साड़े की हवा की, पुत्र रोहितास खड़ा हो गया। पुत्र चलने लगा, महाराज हरिचंद्र पुत्र रोहितास मैया तारा पुनः चलने लगी है। मैया तारा पर जब नहीं चला गया तो मैया तारा अपने हृदय सम्राट अपने पिया से बोली है, पिया अब हम पर भी नहीं चला जा रहा है। जवाब दिया, तारा कुछ धीरज रखो कि कुछ हिम्मत रखो, अभी काशी नगरिया में पहुंच चले। जवाब दिया, पिया पैर में छाले पड़ गए, अब हम पर चले नहीं जा रहे। मैया तारा जो रहे हिम्मत बांध ले रही, निकल गई, चलती चली गई, चलती चली गई मां काशी नगरिया में पहुंच गए। सब दशा हो गई मां की। जो मां महल से नीचे जिस मैया ने कदम न रखा हो, आज मां वो दुख में चले, वो पति का साथ दे, वो मां पतिव्रता स्त्री। ध्यान रखना, संकट में साथ दे वो ही तो स्त्री होती है। आज मैया जो रहे तीनों प्राणी खड़े हो गए, आवाज लगा रहे हैं, तीन प्राणी बिकने के लिए आए हैं। जिस किसी को लेना हो वो आ जाए और ले जाए। जवाब दिया, खड़े रहे खड़े रहे। जब कोई लेने नहीं आया
जब लेने नहीं आया तब विश्वामित्र हरिचंद्र से बोले, जब अब दिया कोई अब तुम्हें लेने भी नहीं आता है, तुम कैसे हरिचंद्र अपना कर्ज अदा करोगे? दो हाथ जोड़े जवाब दिया, बाबा जी एक बार प्रयास और कर ले, एक बार आवाज और लगाओ। तो विश्वामित्र गांव की गली में आवाज लगा रहे, तीन प्राणी खड़े आज बिकने और लेने वाले नया, ये तो मैं क्या करूं। तीन प्राणी खड़े आज बिकने लेने वाले नया, ये तो मैं क्या करूं। हरिश्चंद्र खड़े हैं, विश्वामित्र महा आवाज लगाए, तीन प्राणी खड़े आज बिकने यहाँ, लेने वाले नया ये तो मैं क्या करूं, लेने वाले नया ये तो मैं क्या करूं, लेने वाले नया ये तो मैं क्या करूं, लेने वाले नया ये तो मैं क्या करूं। थोड़ी कीमत है ज्यादा नहीं जो तुम समझ रहे हो, कितनी? हरिचंद्र तारा रोहितास खड़े हुए हैं, आज मेरे बहुत श्रोताओं आवाज लगा रहे, थोड़ी कीमत है कोई भी ज्यादा नहीं, फिर भी लेना सको तो मैं क्या करूं, थोड़ी कीमत है इतनी आवाज लगाई तो लंबी भीड़ जुड़े आई, और लंबी भीड़ को चीरती हुई वहां से एक बैस्या निकली। बैस्या आई, जवाब दिया, बाबा जी सीताराम 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 बेटा, क्या इस स्त्री की कीमत है? स्त्री की कीमत? हाँ, 20 बार सोना। 20 बार सोना? एक लो 20 बार सोना, दो लो 40 बार सोना, और तीनों लो तो 60 बार सोना। उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं। बाबा जी हाँ, मेरा तो कर्म है नाचना और गाना, समझे? समझ रहे। मेरा तो धंधा है, पैसा है नाचना और गाना, अगर ये स्त्री नाचेगी गाएगी तो तुम्हें ले सकता हूँ। फालतू बात मत किया कर। क्यों? अगर इसे नहीं आता है इसे नाचना, तो मैं नाच करके दिखाऊंगी, मैं गा करके दिखाऊंगी, अगर ये कर ले तो दे। तो वो बिटिया बैस्या जो थी मैया की तरफ देख रही है, और मैया की तरफ देख करके वो बोली कि उमर कई
मैया बोली, मैया की तरफ देख रही है, जवाब दे रही है, अपन बिक रही जा लड़काऊ बेच रही, भैया ध्यान देना, इधर जैसे ही मैया तारा को ज्ञात हो गया ये वैश्या है, ये वैश्या है, तो मैया तारा दूर खड़ी हो गई। मैया तारा ने दोनों हाथ जोड़े और भगवान से विनती की, प्रभु मैं धर्म के पीछे मैं अपना राज छोड़ करके आई हूं, एक काशी नगरिया में बिकने के लिए आई हूं, अगर वैश्या के मैं हाथ में बिक गई तो मेरा धर्म नहीं रहेगा, मेरा धर्म चला जाएगा। भगवान की ऐसी कृपा, वैश्या वहां से भाग गई। वैश्या जिस समय भागी है तो मेरे भगवत श्रोताओ, उसी भीड़ को चीरता हुआ एक कालू नाम का मेहतर निकला। जवाब दिया, बाबा जी सीताराम, सीताराम बेटा सीताराम, क्या कीमत है किसकी? इस पुरुष की, पुरुष की 20 बार सोना, 20 बार सोना दिया, पुरुष को खरीद लिया। उसी भीड़ में से ब्राह्मण देव का